भाई देख ना वहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तू इधर आ, कैमरा रोल कर, फ्रेम सेट कर, आधा उधर का और आधा मैं दिखना चाहिए। ओके एक्शन। ओके देखिए यहाँ पर अमीर घरों के चार लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली दो लड़कियों के साथ घटिया हरकतें कर रहे हैं। इस राज्य में इस तरह की लगातार कई सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो हमें ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी, जैसा कि विकी आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। जाती है, चलो मैं दिखाती हूँ। सांसद अपने बेटे के साथ यहाँ भूखा प्यासा विरोध में बैठा है। स्कूल के पास से शराब की दुकान हटवाना चाहते हैं ये लोग। वो शराब की दुकान नई नहीं है, पिछले चार सालों से चल रही है। आज अचानक ये मुद्दा बन गया तो सारे टीवी चैनल्स माइक लेकर यहाँ आ गए हैं। सर, सर, मेरी बेटी वैसी नहीं थी। उनकी बेटियाँ स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने शराब पीकर नदी में पड़कर सुसाइड कर लिया। उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छी लड़कियाँ थी, कभी शराब पी ही नहीं सकती, इसलिए न्यूज़पेपर वालों को रिक्वेस्ट कर रही है कि उनका नाम ना छापे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा शराब पिए। शराब की दुकान के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है कि दोनों ने शराब की बोतल खरीदी थी। यहाँ ये विरोध चल रहा है और वहाँ वो सांसद कह रहा है कि जब तक ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी उन लड़कियों की लाश यहाँ से नहीं उठेगी। पिछले तीन दिनों से यही न्यूज में है और हम लोग इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। अगर तुम भी नेता या फिर कोई अमीर आदमी होते ना तो मीडिया तुम्हारे पीछे भागती, पर तुम्हें कोई नहीं जानता। कौन हो तुम? हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दीजिए, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बहुत दुख की बात है, दो मासूम लड़कियां शराब पीने की वजह से मर गए। मुझे अंदर जाना है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, वो लड़कियां या फिर उसके माता पिता? हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अरे सुनो, मेरा ये मानना है कि इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। इस देश के हर आदमी को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सर, हाँ, आपका बेटा कब जिम्मेदार बनेगा? भाई, कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, आप कह रहे हो ना कि सबको जिम्मेदार बनना होगा, तो इसमें आपका बेटा भी शामिल है क्या? एक नौजवान बहुत देर से इस बारे में बात करने के लिए वहाँ खड़ा है, देखना है कि आप उसके बातों को कितनी गहराई से लेते हैं। बुलाओ उसे भाई, बात करेंगे। बुलाओ। बुलाता हूँ। शिवा, सर इसके लिए हमारे युवा जिम्मेदार हैं, ऐसा हमारे एमपी साहब का कहना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? मैं आपसे इस बारे में कुछ जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि उस लड़की की मौत कैसे हुई? सुनो, जो बात तुम यहाँ कहने आए हो वो कहो, मुद्दे भटकाने की कोशिश मत करो, समझे? बस एक मिनट सर, मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कहने दीजिए। हाँ तो सुनिए, क्या आपको लगता है कि उन दोनों लड़कियों ने मर्जी से आत्महत्या की है? तो फिर वो कैसे मरी सर? किसी ने उन्हें शराब की दुकान से शराब लाने की धमकी दी थी और वो लड़कियां डर कर शराब लाने को मजबूर हो गई थी, फिर वो शराब उन्हें जबरदस्ती पिलाई गई और फिर उन्हें मारकर फेंक दिया गया। उस लड़के के पिता को अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता है, इसलिए वो लोग इस तरह विरोध करके मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है ना सर? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हेलो, तुम कहना चाहते हो कि उन लड़कियों की हत्या करने वाला एमपी का बेटा है और ये उन्हें बचाना चाह रहे हैं? ये कैसी बात कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? माइक सामने है तो कुछ भी बोलोगे क्या? बोलो। हेलो सर, इस बात का आपके पास कोई एविडेंस है क्या? बोलिए।
हाँ बोलिए सर, एविडेंस है क्या? हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? अगर है तो दिखाओ दिखाओ। सुनो, हमारे मीडिया वाले दोस्त तुमसे जवाब मांग रहे हैं, बताओ जवाब दो, बताइए बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत है क्या? नहीं क्या मांग रहा है? तो दिखाए ना फिर सबूत, दिखाओ ना भाई, दिखाओ ना भाई, दिखाओ, हाँ दिखाओ सबूत, दिखाओ 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 सबूत, दिखाओ। यार बात ऐसी कि वो आत्महत्या नहीं थी, एमपी के बेटे ने रेप करके उन्हें मारा था। एक आदमी यहाँ पर एविडेंस दिखा रहा है। सच कह रहा है क्या? सच में, मैं रिकॉर्ड करके वीडियो भेज रहा हूँ, तुसे लाइव कर देना चैनल पर। ठीक है ठीक है, जल्दी करो, एक ब्रेकिंग न्यूज हाथ लगी है, बॉस को इन्फॉर्म करो। अगर मैं वहां होती तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं तो दाढ़ी बनाते समझ के कान काट देता। यार ब्रेकिंग न्यूज में आने के बाद पता नहीं अब कौन सा काम मिलने वाला है, बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो पागल आदमी यहाँ से चला गया है, कहीं हमें देख तो नहीं रहा है। तुमने गांधी को क्यों मारा? गांधी, गांधी मर गया? नो, मुझे इसके पास छोड़ के भाग गया। काले अफ्रीका के आदमी, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बोल। मैं तुझे अफ्रीकन लगता हूँ, अफ्रीकन बोलता है। बोल यहाँ पे क्या कर रहा है? सर नमस्ते सर। अरे रे 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 रे, तुम दोनों ब्रेकिंग न्यूज बन गए पूरे 22 चैनल्स पर। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम लोगों ने कैसे किया, कैसे किया बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं सर, बचपन से ही। सर आपने कहा था कि आपके अलावा वो नंबर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो फोन पर कई सारी धमकियां मिल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं सब देख लूंगा। हाँ थैंक यू सर। अच्छा सर वो दूसरा टास्क क्या है? हाँ ए, ये आवाज कैसी? मैंने उसे काट लिया। क्या क्या बात कर रहा है? हाँ यार देखिए सर, या तो वो इस घर में रहेगा या तो मैं, आप सोच लीजिए। वो मेरे बेटे जैसा है, यहाँ सिर्फ वही रहेगा। ये क्या बात हुई कि वही इस घर में रहेगा? अगला टास्क पूछो, काम खत्म करना है। मणि, इसका नाम मणि है, ये थोड़ा पता है सर, पता है। अगर कोई इसे छड़ी दे दे तो पता है सर, पता है। अगले चुनाव में इसे एमएलए बनाना है। हुँ?
मिस्टर शिवा, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, टाइम टाइम पर खाना खाना, टास्क खत्म होने तक आराम मत करना, और सारे पैसे तू ही रख लेना। हाँ छोड़ मेरा, अगर ये एमएलए बन सकता है तो हम नहीं बन सकते। ये तो पागल है, और ये पागल हमें इसके साथ रख रहा है। क्या इस तरह देख क्या रहे हो? तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, तो इसे एमएलए क्यों नहीं बना देते? हमारे देश में कोई योग्य आदमी नहीं है क्या जो इसे एमएलए चुने? ये टास्क हमसे नहीं होने वाला। अरे चुप ना यार, हम बाद में बात करेंगे। सर प्लीज हमसे मजाक मत कीजिए, क्या सच में यही टास्क है क्या? ये दूसरा टास्क है, अगले चुनाव में इसे किसी तरह से एमएलए बना देना है, और उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये तो बोलकर चला गया, पता नहीं क्या होगा। ए, मेरी बात सुनना यार, इसे भी हैंडल कर लेंगे। ये मत कहना कि मैं ये टास्क करने जा रहा हूं। हमने पहला जो काम किया वो मुश्किल था, मगर ये टास्क तो बहुत ही आसान है यार। क्या किसी पागल को एमएलए बनाना आसान काम है? ओ ए, जितना खर्चा होगा वो सब देने के लिए तैयार है ना। वैसे भी कोई ना कोई नेता तो भ्रष्टाचारी होता ही है ना। इस काम के लिए बहुत बड़े नेता से मिलना होगा जो अपराधियों का अपराधी है।